Hello, hello. Today we are going to start with a very interesting chapter. Welcome back to the YouTube channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं social and political movements. बच्चा बहुत easy chapter है, ठीक है? Society and politics, social and political movements. So in the last chapter हमने क्या पढ़ा था? Third chapter political science, political parties. उसमें पढ़ा था हम लोगों ने national parties के बारे में, हमने पढ़ा था regional parties के बारे में, हमने पढ़ा था political parties किस तरह से competition करता है for political power. एंड पावर मिला मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला, इलेक्शन जीत गए भाई. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं. एंड जब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मतलब दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. बट ऐसा होता है क्या कि भाई खाली एक ही चीज के ऊपर फोकस किया? नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन पर्टिकुलर इश्यू. उन लोगों को ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल दे नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव दैट इज फ्रॉम पब्लिक क्लेनलीनेस टू स्पेस रिसर्च. मतलब एज बेसिक एज के अपने एरिया में जो क्लेनलीनेस हो रहा है कि नहीं, डर्टीनेस फिल्दीनेस हो रहा है, तो वो अगर क्लेनलीनेस है कि नहीं है, अगर डर्टीनेस है फिल्दीनेस है तो उसको क्लियर करना है, साफ सफाई रखनी है, स्वच्छ भारत अभियान एंड स्पेस रिसर्च तक, जैसे चंद्रयान 3. सो स्पेस रिसर्च तक, उधर तक का पूरा डिस्कशन ये पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं. मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स. सो जब भी हम लोग ये चीज बात करते हैं, दैट इज वन सच रीजन व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट द पॉलिसी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी. भले वो फार्मर का बात हो रहा हो, भले वो लेबरर्स का बात हो रहा हो, वेदर इट बी बिजनेसमैन, वेदर इट बी वुमेन, whether it be youth या whether it be senior citizen, national perspective, country के हिसाब से सबका importance दिखाया जाता है. and political parties का ये responsibility होता है कि वो लोगों को सबका problem solve करना है. but जब भी ये problem solve नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग मिलके आके government के सामने पहले request करते हैं. बट फिर भी अगर गवर्नमेंट नहीं करता है उस रिक्वेस्ट के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर सल्यूशन नहीं देता है, तो गवर्नमेंट क्या करे, अरे लोग क्या करेंगे, लोग मूवमेंट्स करते हैं. सो अलग अलग तरह से आंदोलन किए जाते हैं, मूवमेंट्स किए जाते हैं. नाउ व्हाई मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कोई भी मूवमेंट्स करते हैं तो एवरीवन कैनॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल वेलफेयर. कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहेंगे, या इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है बेटा कि हर एक पर्सन का जो डिमांड है वो हम लोग केटर नहीं कर सकते. ओवरऑल मास बेस का जो प्रॉब्लम होता है, ओवरऑल लोगों का, पब्लिक का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना पड़ता है. तो कुछ लोग होते हैं जो फोकस करते हैं ऑन पर्टिकुलर इश्यू एंड उसके ऊपर परस्यू करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल महिला विकास, जैसे यहाँ पे दिया है, ये कैसे करते हैं, हाउ डू दे डू इट? तो वो लोग एक साथ जमा होते हैं, जैसे दे ऑर्गेनाइज द पीपल, उसके बाद दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इश्यू के भाई विमेन्स डेवलपमेंट के लिए, महिला विकास के लिए हम लोगों को सबको साथ में आना है. एंड सब में सबको साथ में किसके अगेंस्ट आना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट. गवर्नमेंट को बताना है कि हमारा ये डिमांड्स है एंड लोगों का सपोर्ट जरूरी है. मतलब यहाँ पे जरूरी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन जब भी आता है तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल पेटिशन एप्लीकेशन साइन करते हैं कि भाई हमें ये डिमांड है. ये पेटिशन साइन करने के बाद किसको देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को. बिकॉज हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज कौन होते हैं, तो वो एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. सो वो लोग क्या कर सकते हैं, लोग सब साथ में मिलके प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को के ऊपर कि हमको गवर्नमेंट से ये पर्टिकुलर चीज चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, जब भी लोग साथ में मिलके पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करके प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसको बोला जाता है मूवमेंट. क्या बोला जाता है, मूवमेंट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नाउ मूवमेंट किसके लिए होता है, तो डिमांड्स के लिए होता है. डिमांड्स कौन से होते हैं, तो प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स. जैसे अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स के लिए लोग डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स बनाने के लिए. गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स एंड इसके लिए बहुत सारे लीडर्स एक्टिविस्ट वो सब आके इंफॉर्मेशन देते हैं,
के नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि सो एंड सो डिमांड है लोगों का एंड उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, वो डिमांड सफाइस करना है, मतलब उनका डिमांड सिक्योर करना है। अभी ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होता है फॉर मेकिंग द पॉलिसी। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, सम मूवमेंट्स ऑल्सो अपोज द डिसीजन एंड द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये मूवमेंट्स, मतलब लोग साथ में आ गए, लोग साथ में आ गए तो वो लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं डिसीजन को, पॉलिसी एक गवर्नमेंट ने बनाया है उसको अपोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट वो राइट टू प्रोटेस्ट उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कि वायलेंस क्रिएट हो जाए, दंगे हो जाए, मारामारी हो जाए, खून खराबा हो जाए, ये चलेगा क्या? नहीं, प्रोटेस्ट करो बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि डिमांड्स क्या है तुम्हारा। सो दिस राइट, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट है, नीड्स टू बी यूज्ड पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। जब भी हम लोग मूवमेंट का बात करते हैं, सब मूवमेंट्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बट क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? सो मूवमेंट मतलब जब भी लोग एक साथ आते हैं, इट इज द कलेक्टिव एक्शन ऑफ पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, सब साथ में आना एंड डिमांड क्रिएट करना गवर्नमेंट के सामने कि भाई हमारा ये डिमांड है, हमारा ये डिमांड सिक्योर होना चाहिए। सो पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इश्यू और अ फोकस्ड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के लिए, एक इश्यू के लिए वो लोग सब साथ में आते हैं। एंड मूवमेंट हैज अ लीडर हु कीप्स द मूवमेंट एक्टिव। हर एक मूवमेंट में एक ऐसा लीडर होता है जो ये मूवमेंट को एक्टिव करता है, वो डिसाइड करेगा। डिसाइड क्या करेगा कि भाई हमें क्या डिमांड्स रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है ना कि एक इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है फोकस किया है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सो एंड सो है, उसके बेसिस पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहेगा। प्रोग्राम के बेसिस पे कि भाई कितने लोग साथ में जमा होंगे, साथ में जमा होने के बाद हम क्या करने वाले, तो नारेबाजी करने वाले हैं, स्लोगन शाउटिंग करने वाले हैं, एंड कहाँ पे करने वाले हैं, तो जैसे कोई मिनिस्टर के घर के बाहर या मंत्रालय के बाहर हमने बहुत सारे लोग जमा हो गए। मतलब क्या, मतलब ये बना रहे हैं हम स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ऑफ दैट एजिटेशन, एजिटेशन मतलब फाइट बैक। ये स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, लोग बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, अपना डिमांड सिक्योर करने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग मिलके पब्लिक सपोर्ट जमा करते हैं एंड मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो इंडिया में सर आज तक ऐसा हुआ है क्या? ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे इन इंडिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हुआ है, जैसे ट्रेडर्स यूनियन हुआ है एंड विमेन्स मूवमेंट हुआ है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंट मूवमेंट। एंड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है अपना एज अ कंज्यूमर, इज अ कंज्यूमर मूवमेंट, कि भाई हम लोग कंज्यूमर होते हैं ना। तो एक एक मूवमेंट डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट। बेटा ट्राइबल मूवमेंट जब भी हम बात करते हैं, ट्राइब्स, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं ट्राइब आया, तो मतलब ये आदिवासी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, तो ट्राइब्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो खाली वो नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है जो आज इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। सो इंडिया में इतने सारे ट्राइब्स है, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी फेस्ड अ लॉट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला, वो टाइम पे राइट्स नहीं दिया जाता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। मेजर प्रॉब्लम जो डिनाई किया गया था, दैट इज राइट्स ओवर फॉरेस्ट। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इवन डिप्राइव्ड द ट्राइबल पीपल टू लिव ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। मतलब जैसे हमने बोला कि ये ट्राइबल्स कौन थे, ये वो लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, एंड उनके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे फॉरेस्ट से जो चीजें मिलती है, वो चीजों को बेच के उनका घर चलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो टाइम पे इनको बैन कर दिया था, बोला कि ये चीज तुम नहीं कर सकते, उनको बोला कि तुम लोग ये फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। सो द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट के भाई हमें राइट ओवर फॉरेस्ट दे दो। राइट ओवर फॉरेस्ट मतलब क्या, कि फॉरेस्ट में जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे वुड है, सैंडलवुड है,
रबर है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब बेच के वो लोग पैसा कमाते हैं ना, उनका घर चलता है. सो अलाउड टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ फॉरेस्ट. और ये डिमांड किया था किसने किया था? ट्राइबल्स ने किया था. द ट्राइबल मूवमेंट एमर्ज्ड फ्रॉम छोटा नागपुर. छोटा नागपुर में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे, जैसे एक ट्राइब था जिसका नाम था कोलम. ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स ने ये किया था, बट अपने टेक्स्ट बुक में ये दिया है. उसके अलावा ओरिसा में किया था अ ट्राइब कॉल्ड एस गोंद, महाराष्ट्र में किया था अ ट्राइब कॉल्ड एस कोड़ी एंड बिल्ला अलोंग विद द रामोशीज. बिहार में जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था इट वॉज डन बाय सांथल मुंडा ट्राइब. And since this tribal struggle was continued, it was continued and even today, आज भी बहुत सारे इंडिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ट्राइबल राइट्स नहीं दिए जाते, rather ट्राइबल्स को मालूम नहीं है कि उनका राइट्स क्या है. क्लियर? तो दिस इज ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल मूवमेंट एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट 2 mark आंसर जो एग्जाम में आ सकता है. द नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं इज द फार्मर्स मूवमेंट. नाउ फार्मर्स मूवमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट. जैसे ये अलग अलग एरिया में, जैसे गांधी जी ने जब ही साउथ अफ्रीका से वापस आए तो अलग अलग जगह पे सत्याग्रह किया था. ये सत्याग्रह किसके लिए किया था? फार्मर्स के लिए किया था. जैसे बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह. एंड ये मूवमेंट्स इंस्पायर हुए थे फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट लीडर्स, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी ने तो ऑब्वियसली ये ऐसे सत्याग्रह किए थे. तो ये फार्मर्स मूवमेंट अलग अलग मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे. अभी आज भी अगर देखें तो फार्मर्स मूवमेंट हो रहे हैं. द मूवमेंट्स हैव स्लोड डाउन ड्यू टू सम लैंड रिफॉर्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लॉ बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेनेंसी लॉ. अभी टेनेंसी लॉ मतलब क्या? कि भाई मेरा खुद का कोई जमीन नहीं है, ठीक है, मैं किसी और के जमीन पे काम करता हूं, तो मैं उधर का क्या बन गया? टेनेंट. तो टेनेंट्स के लिए कि भाई इतना जमीन किसका? तो भाई सागर तेरा. और ये सागर का जमीन है मतलब क्या? कि सागर उसके ऊपर फार्मिंग करेगा. अभी वो छोटा सा जमीन रहेगा, उसको फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया है, तो वो लॉ सेटअप कर दिए कि इतने टाइम तुझे रहना है, इतना प्रोड्यूस करके तुझे देना है, इतना पैसा तुझे देना है, तू मुझे देगा ओनर को. दूसरा, टिलिंग ऑफ लैंड. टिलिंग मतलब क्या? जैसे हम लोग लैंड को बाइफरकेट करते हैं, जैसे ये इमेज में दिया है कि किस तरह से बाइफरकेट किया गया कि भाई इतना जमीन ये बनाने वाला है, ये फार्मर के नाम पे इतना जमीन, ये पेजेंट के नाम पे इतना जमीन, एक्सेट्रा. पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट्स वर एक्टिव एंड इफेक्टिव. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, इट वॉज बिकॉज ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. एंड जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए वो सब एक्टिव थे एंड इफेक्टिव थे. इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी था. ऑब्वियसली इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स एंड दैट इज व्हाई दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट. के भाई यहाँ पे पुअर फार्मर्स का तो फायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज जो रिच फार्मर्स थे उनका ही फायदा हो रहा था. गवर्नमेंट में जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहा था, गवर्नमेंट ने जितनी सहूलियत दी थी वो सब फैसिलिटीज रिच फार्मर्स लेके जा रहे थे, तो पुअर फार्मर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं. सो सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट वर के भाई हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका परफेक्ट प्राइस दो, अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर प्राइस दो फॉर आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. दूसरा, एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री. कि भाई इंडस्ट्री बनाओ इसको, एग्रीकल्चर को, प्रॉपर इंडस्ट्री है ये, इसको कंसिडर करो. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, याद आया? तो वो टाइम पे एक कमीशन था जिसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन. उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो अप्रूव करना है, जिसमें फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे एंड टैक्सेस भी अच्छे खासे उनको मतलब कम करके दिए थे. रादर बहुत सारे फार्मर्स ने जो लोन लिया था जिसको हम लोग डेट बोलते थे, तो डेट आ गया था एंड वो रिलीव कर दिया था. डेट रिलीफ, डेट कैंसलेशन दिया था. कभी कभी जो लोन लिया था उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता था, कभी कभी वो लोन ही कैंसिल कर देते थे. एंड नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर बनाया. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो सब साथ में आए. ये तो स्वामीनाथन कमीशन तो गवर्नमेंट का था, बट इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आए थे फार्मर्स के जो साथ में आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल शेतकरी संगठन,
जैसे भारतीय किसान यूनियन, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, तो फार्मर्स मूवमेंट ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट 2 mark आंसर एग्जाम में आएगा. मूविंग विद द नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट इज ट्रेडर्स यूनियन. अभी ट्रेड यूनियंस का बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने थे. ट्रेड यूनियन हमने देखा था इन 9th standard मिल वर्कर स्ट्राइक के टाइम पे देखा था, राइट. सो ट्रेड यूनियन बेसिकली इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एरा था उसमें इंडस्ट्रीज बनाया, जैसे गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाया. एंड ऑटोमोबाइल मतलब कार्स बनाते थे, रेलवे इंजिन बनाते थे, तो रेलवे कंपनीज बनाए. 1899 में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. बट सर इसका मेन इश्यू क्या था, उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था रेलवे वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाने के लिए. यहाँ पे अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन था इन फॉर द रेलवे वर्कर्स इन 1899. कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए है कि भाई 6 महीना तू काम कर, तेरे को इतना पैसा दिया जाए. बट स्टेबिलिटी क्या, कुछ भी नहीं. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी था, बिकॉज 6 महीना है, 6 महीना भाई वो घर पे बैठा है तो चलेगा क्या, नहीं. एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, के भाई ऑफिशियली पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, वो सब एब्सेंट, लीगल प्रोटेक्शन, लीगल टर्म्स कुछ भी नहीं. एंड अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते थे. वर्क प्लेस पे इनसिक्योरिटी होता था कि भाई कुछ एक जो हेल्थ हजार्ड्स हो सकते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंट्स होते थे, ये सब होता था. तो अगर ये सब होता था तो ये डिमांड्स उन्होंने किया. एंड दैट इज वाई ये डिमांड सिक्योर करने के लिए इन 1920 AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनाया गया था. ये बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन था किसके लिए, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फॉर द राइट्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस. इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1960s एंड 70s में ट्रेड यूनियन ने स्टार्ट किया था वर्किंग मोर इफेक्टिवली. बट इन 1980s द ट्रेड यूनियन स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, मतलब डिवाइडेड. और ये डिवाइड होने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंपॉर्टेंस खत्म होने लगा. बट आज भी ये ट्रेड यूनियंस है एंड दे आर वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स. क्लियर. नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं इज वुमेन्स मूवमेंट्स. अभी वुमेन्स मूवमेंट चालू हुआ किसके लिए, ऑब्वियसली फॉर द राइट्स ऑफ फीमेल्स. इसके ऊपर 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा था, नहीं याद है इधर पढ़ लेते हैं. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द प्रोग्रेसिव मेन इनिशिएटेड वुमेन्स मूवमेंट्स. दे एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस, मतलब रिमूविंग इनजस्टिस. जो प्रोग्रेसिव मेन थे वो सबको रियलाइज हुआ कि वुमेन को राइट्स मिलना कितना जरूरी है. एंड दैट इज वाई रिमूविंग इनजस्टिस, एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, हेल्पिंग देम टू लीड अ बेटर लाइफ, ये करना जरूरी हो गया था. नाउ हु वर दे एंड क्यों ये लोगों ने ऐसा किया. देर वर सर्टन एक्सट्रीमिस्ट जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, अलॉन्ग विथ सावित्री बाई फुले एंड महात्मा ज्योतिराव फुले, अलॉन्ग विथ महर्षि ढोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे, ये सब ने मिलके जितने भी जो रॉन्ग डूइंग्स थे, जिसको हम सोशल इवल्स बोलते थे, जैसे चाइल्ड मैरिज है, सती है, ये बैन करवाया था. एंड दे स्टार्टेड वुमेन्स एडुकेशन. तो वुमेन को राइट टू वोट, विडो री मैरिज, ये राइट्स के लिए ये लोग फाइट कर रहे थे. ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है बेटा. बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन. सो स्टिल वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बोला कि भाई इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, बट राइट्स दिया क्या, फिर भी मिल रहा था क्या, नहीं. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन, एम्ड एट डिफरेंट थिंग्स, जैसे वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल ह्यूमन बींग्स. इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस मतलब सेम नहीं है. दे पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. एंड इसके लिए दे ऑल्सो टुक अप इश्यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए वुमेन्स हेल्थ के बारे में, या सोशल सिक्योरिटी के बारे में, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिसके ऊपर 9th standard में पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने, बहुत ब्यूटिफुल था. सो करप्शन के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. बट आज के जमाने में ऐसा होता है क्या, नहीं. बट टूडेज वुमेन फेसेस चैलेंजेस इन इक्वल एडुकेशन. उनको स्टेटस देना
जरूरी है एंड गिविंग स्टेटस एंड प्रेस्टीज एज ह्यूमन बीइंग. क्लियर. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड वन फन फैक्ट. डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा दे ऑल्सो नोन ही इज ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया. ही वन स्टॉकहोम वाटर प्राइज ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ वाटर. अभी उन्होंने किया क्या था कि भाई नोबेल प्राइज फॉर वाटर या स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया था उनको. ही बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ जोहर्ड्स इन राजस्थान. अभी जोहर्ड्स होते क्या है, बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग में राजस्थान इज दैट प्लेस जहां पे बारिश का जो बारिश गिरता है वो कम गिरता है. सो यहाँ पे जोहर जब भी हम लोग बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेसिस पे तुम पानी बचा सकते हो. एंड ये राजस्थान में थाउजेंड्स ऑफ जोहर्स उन्होंने बनाए थे. किसने? डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने. ही ऑल्सो फॉर्मड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज तरुण भारत संघ विच वर्कड इन बिल्डिंग 11,000 जोहर्स इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. ऐसे बहुत सारे कैंपेन चालू किए फॉर वाटर कंजर्वेशन, दैट इज किस तरह से पानी बचाया जाए, रिवाइवल ऑफ द रिवर्स, रिवर्स को कैसे बचाया जाए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि भाई फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. वर्किंग एक्टिवली सिंस लास्ट 31 इयर्स इवन टुडे. लास्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एनवायरमेंट मूवमेंट. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो ये चैप्टर में हम लोग ऐसे कि भाई ये तो आता ही है ना, बट ये एग्जाम में आएगा तो आंसर लिखने में डिफिकल्ट होता है. तो ये याद रखना कि कैसे लिखना है आंसर्स. पहले एक्सप्लेन करता हूँ. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. सो देर आर सेवरल मूवमेंट्स इन इंडिया विच आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे इश्यूज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे ग्रीन बेल्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना कि भाई ये पर्टिकुलर रीजन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. ग्रीन बेल्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे रेसिडेंस बिल्डिंग नहीं बना सकते, वो फॉरेस्ट के लिए ही रखा जाएगा फिक्स, उसको ग्रीन बेल्ट एरिया बोलते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, जैसे बायोडाइवर्सिटी जो आजू बाजू का सराउंडिंग है उसको प्रोटेक्ट करना, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करना, रिवर्स का पॉल्यूशन एंड करना एंड द यूज ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स. द नेक्स्ट पार्ट दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कंज्यूमर मूवमेंट. अभी कंज्यूमर मूवमेंट मतलब क्या, जैसे आज नेचर चेंज हो रहा है सोसाइटी एंड इकोनॉमी का, वैसे ही कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम्स भी चेंज हो रहा है. जैसे अडल्ट्रेशन, हर जगह पे कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट. येलो कलर का आम नहीं है हम नहीं खरीदेंगे, चलेगा, इंजेक्शन मार दिया येलो हो गया. ये कपड़ा हम नहीं खरीदेंगे, ये खाना हम नहीं खरीदेंगे, चलेगा, जैसा चाहिए जैसा डिमांड है वैसा करके देंगे. अरे मिलावट कर रहे हो तुम, ये गलत है. द फ्रॉड्स इन वेट्स एंड मेजर्स एज वेल, जैसे वजन में फ्रॉड करना, कॉस्ट ऑफ आइटम्स बढ़ रहे दिन ब दिन. सो दे वर्क टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम सच फ्रॉड्स. अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ गलत हो रहा है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, वी कैन डायरेक्टली गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. बिकॉज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर मूवमेंट वॉज इमर्ज इन इंडिया आफ्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे बिलीव्ड दैट ईच मेंबर इज अ कंज्यूमर. तू बाहर जाता है तू कुछ खरीदता है, वेन यू आर परचेसिंग समथिंग फ्रॉम मॉल या दुकान से कुछ खरीदता है, कुछ चीजें बराबर नहीं है अगर तुझे तेरे हिसाब से जो दिख रहा है. जैसे बोला कि भाई मैडम ये एक किलो का है, बट वो आधा किलो ही रहेगा या एक किलो में 200 ग्राम कम है, तो तुम कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो वो दुकानदार के खिलाफ. दे बिलीव इन ईच मेंबर इज अ कंज्यूमर एंड लेटर ऑन द इश्यू बेस्ड ऑन मूवमेंट स्टार्टेड इमर्जिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. जैसे अर्लियर मूवमेंट्स 1980 के पहले दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इश्यूज विच आर बेस्ड ऑन मास मूवमेंट्स. ये मूवमेंट्स होते थे नियो सोशल मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? नियो सोशल. नियो मतलब न्यू सोशल मूवमेंट्स होना चालू हुआ. जैसे अमेरिका में कुछ साल पहले ब्लैक लाइव्स मैटर, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स बहुत ज्यादा होता था, तो ये ब्लैक्स एंड वाइट्स के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो, इसके लिए ऐसे मूवमेंट्स बनाए थे ब्लैक लाइव्स मैटर करके. क्लियर. नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट डू यू नो सेक्शन. द सिविक प्रॉब्लम मतलब द पीपल्स प्रॉब्लम नीड नॉट ओनली बी ऑन सोशल स्फीयर. जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो सोशल डिविजन है क्लासिफाइंग इनटू ग्रुप्स,
डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा होती है, दे कैन इमर्ज फ्रॉम एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक फेटालिटीज एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये हर एक सेक्शन में देखने मिलता है. सो इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए थे, इश्यूज जैसे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट टू वोट, मिनिमम वेजेस, मतलब क्या कि कोई वर्कर 8 घंटे के लिए काम कर रहा है, उसको 500 रुपया दिया, फिर उसने 12 घंटे काम किया. मैंने बोला कि कोई एक दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि सर मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं, मुझे ना खाली मुझे 400 रुपए दो. तो मैंने बोला कि ये तो मेरा फायदा है, ज्यादा काम भी कर रहा है. तो मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है, ये इश्यूज हुए हैं. राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए, हुअर्स अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज ऑब्वियसली. प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबको होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे स्वदेशी मूवमेंट्स चालू किए गए. तो ऐसे मूवमेंट्स, इश्यूज जो दिख रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, एंड दीज आर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ आवर कंट्री. डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से लिखो, प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल एंड डू वेल. ऑल द बेस्ट.